तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हीरो ग्लैमर 125 एक्सेक्ट BS7 बाइक की, और इस बाइक के क्या न्यू फीचर्स हैं वो आज आपके सामने हम शेयर करेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको न्यू व्हीकल से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस बाइक में हमें क्या क्या न्यू फीचर्स मिल जाते हैं। तो इसके हेडलाइट में आपको LED बल्ब मिल जाते हैं, DRL मिल जाता है। इसकी बैक लाइट में आपको LED बल्ब मिल जाते हैं, DRL मिल जाता है। और इसके इंडिकेटर की बात करें तो उसमें आपको हेलोजन बल्ब मिल जाते हैं। इसके फ्यूल टैंक के ऊपर आपको E20 का सिंबल मिल जाता है, यानी 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल के साथ ये जो बाइक है वो चलती है। इसमें आपको एक साइड स्टैंड मिल जाता है, एक डबल स्टैंड मिल जाता है। और बात करें अगर हम इसके टायर्स की, तो इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। इसके हेडलाइट की बात करें तो इसकी हेडलाइट में आपको LED बल्ब भी मिल जाते हैं, DRL भी मिल जाता है। और इसके फ्रंट लुक को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है जिससे जो कस्टमर हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाएं। आपको ये मल्टीपल कलर्स में बाइक मिल जाती है। फ्रंट में दो आपको टेलीस्कोपिक शॉकर मिल जाते हैं। बात करें अगर हम इसके माइलेज की, तो 60 किलोमीटर पर लीटर का आपको ये माइलेज प्रदान करवाती है। बात करें अगर हम इसके इंजन की, तो 124.7 cc का इसमें आपको इंजन मिल जाता है। और अगर हम इसके इंजन टाइप की बात करें तो एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन मिल जाता है। बात करें अगर हम इसके मीटर कंसोल की, तो इसमें आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है जिसमें आपको न्यूट्रल लाइट, चेक इंजन लाइट, इंडिकेटर सिग्नल्स, साइड स्टैंड सेंसर लाइट, ये सभी चीज़ें इसमें आपको शो की जाती है। बात करें अगर हम इसके बैक लाइट की, तो इसकी बैक लाइट में आपको हेलोजन बल्ब्स मिल जाते हैं, LED बल्ब्स मिल जाते हैं। और अगर हम इसके बैक इंडिकेटर की बात करें तो उसमें भी आपको हेलोजन बल्ब्स मिल जाते हैं। बात करें अगर हम इसके पावर की, यानी इंजन पावर की, तो 10.84 PS से 7500 RPM तक जो इस बाइक का इंजन है वो पावर जनरेट करता है। और अगर हम इसके मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 10.6 Nm से 6000 RPM तक जो इस बाइक का इंजन है वो टॉर्क प्राप्त करता है। सिंगल सिलेंडर के साथ आपको ये बाइक मिल जाती है। और अगर हम इसके फ्रंट ब्रेक की बात करें तो उसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। रियर ब्रेक की बात करें तो उसमें आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती है। बात करें अगर हम इसके बॉडी टाइप की, तो ये कम्यूटर बाइक्स हैं। इसमें आपको DRL मिल जाता है, मोबाइल कनेक्टिविटी मिल जाती है, ब्लूटूथ मिल जाता है, नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है। स्पीडोमीटर की बात करें तो वो आपको इसमें डिजिटल मिल जाता है। ओडोमीटर की बात करें तो वो भी आपको डिजिटल मिल जाता है। और अगर हम इसके ट्रिप मीटर की बात करें तो वो भी आपको इसमें डिजिटल मिल जाता है। फ्यूल गेज भी इसमें आपको मिल जाता है। बात करें अगर हम इसके कूलिंग सिस्टम की, तो ये एयर कूल्ड है। और अगर हम इसकी स्टार्टिंग टाइप की बात करें तो किक और सेल्फ दोनों आपको इस बाइक में मिल जाता है। फ्यूल सप्लाई की बात करें तो फ्यूल इंजेक्शन लगाया गया है इसमें। और अगर हम इसके क्लच की बात करें तो वेट मल्टीप्लेट क्लच मिल जाता है इसमें। गियरबॉक्स की बात करें तो 5 गियर्स में आपको ये बाइक मिल जाती है। बोर की बात करें तो 52.4 mm इसमें आपको बोर मिल जाता है। और अगर हम इसकी स्ट्रोक की बात करें तो 57.8 mm इसमें आपको स्ट्रोक मिल जाता है। कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो 9.9:1 इसमें आपको कंप्रेशन रेशियो मिल जाता है। और अगर हम इसके बॉडी लुक की बात करें तो कुछ इस तरीके से इसकी बॉडी को बनाया जाता है जिससे जो कस्टमर है वो इसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाए। इसमें आपको लंबी सीट मिल जाती है, इसमें आपको सेंसर मिल जाते हैं, एक्चुएटर मिल जाते हैं। बात करें अगर हम इसके लंबाई की, तो 2051 mm इसमें आपको लंबाई मिल जाती है। चौड़ाई की बात करें तो 743 mm इसमें आपको चौड़ाई मिल जाती है। हाइट की बात करें तो 1074 mm इसमें आपको हाइट मिल जाती है। इसकी यानी इसकी हेडलाइट में भी आप मॉडिफिकेशन के तौर पर हाई क्वालिटीज़ वाले LED बल्ब्स लगवा सकते हैं, DRL लगवा सकते हैं। बात करें अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 180 mm इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और अगर हम इसके व्हील बेस की बात करें तो 1273 mm इसमें आपको व्हील बेस मिल जाता है। कर्ब वेट की बात करें तो 123 kg इसमें आपको कर्ब वेट मिल जाता है। इसके हेडलाइट में आपको LED बल्ब मिल जाते हैं, टेल लाइट में आपको LED बल्ब मिल जाते हैं। टर्न सिंगल लैंप की बात करें तो उसमें भी आपको बल्ब मिल जाते हैं, DRL मिल जाता है इसमें। फ्रंट ब्रेक डायमीटर की बात करें तो वो 240 mm मिल जाता है। रियर ब्रेक डायमीटर की बात करें तो वो 130 mm मिल जाता है। और अगर हम इसके ड्राइव टाइप की बात करें तो ये चैन ड्राइव है। और ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो ये मैनुअल है। और अगर हम इसके रियर सस्पेंशन की बात करें तो वो आपको हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिल जाते हैं। फ्रंट टायर साइज की बात करें तो 80/100 18 नंबर का मिल जाता है। और अगर हम इसके रियर टायर साइज की बात करें तो 100/100
80 यानी 18 नंबर का मिल जाता है। व्हील साइज की फ्रंट की बात करें तो 457.2 मिलीमीटर मिल जाता है आपको, और अगर हम इसके रियर व्हील साइज की बात करें तो 457.2 मिलीमीटर मिल जाता है आपको। व्हील टाइप की बात करें तो अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रेम की बात करें तो ये डायमंड है, और इसका सामान आपको हर जगह मिल जाता है, छोटी से छोटी दुकान में भी आपको इसका सामान मिल जाता है, और शोरूम पर भी इसमें सेंसर एक्चुएटर